ऑडियंस ने देखी लिया, थोड़ा कुछ ऑडियंस को बताया किस तरह की फिल्म होने वाली है। जिस तरह का ट्रेलर है उसे अब तक क्या हुआ सेट है सब क्या कूल है। हम पार्ट थ्री आ रहा है जिसका ट्रेलर ऑडियंस देख चुकी है और ऑडियंस को ट्रेलर बहुत पसंद आया है। 15 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ इसे मिले, ये इस बात का सबूत है। तो जिस तरह की फिल्म होने वाली है आई थिंक ऑडियंस को पहले ही पता है। ये बहुत ही नॉटी मिस्चीवियस एक ओवर द टॉप एजी सेक्स कॉमेडी होने वाली है और ऑडियंस को खूब मजा आएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सर, डज योर फिल्म स्लिमर टू मस्ती ज्यादा? मैं दूसरी किसी फिल्म के बारे में या उसके कंपैरिजन में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। यू कैन आस्क मी अबाउट क्या कूल है हम थ्री। ओके, सेंसर बोर्ड ने आपके कुछ 150 शॉट्स काट दिए थे, आपके फिल्म को ये सर्टिफिकेट देने के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सेंसर ने 150 कट्स दिए हैं क्या कूल है हम थ्री को, ये बात बिल्कुल ही मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बिकॉज़ ये स्टोरी मैंने भी किसी न्यूज़पेपर में और मैगजीन में पढ़ी है, बट इस बात में सच्चाई नहीं है। उन्होंने कितने कट्स दिए ये भी मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन यस, थोड़े बहुत कट्स मिले हैं और वो कट्स ऐसे थे कि जो सेंसर की गाइडलाइंस है, आई थिंक उनका भी एक वो काम है, सीरियस काम उनको फॉलो करना है। तो उस तरह के कुछ कट्स, कुछ चेंजेस हमने ज़रूर किए सेंसर में। हमने काफ़ी वक्त तक सिर्फ इसलिए इस फिल्म को लेकर विवाद किया कि हमारी जो फिल्म थी वो हमें कम से कम कट्स के साथ और जो उसमें मनोरंजन है उसे इंटैक्ट रखते हुए लोगों तक पहुंचानी थी, तो इसलिए थोड़े बहुत कट्स ज़रूर मिले हैं। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हमने भी सेंसर से कही, तो सेंसर ने भी उन चीज़ों को मानकर हमें उन चीज़ों को फिल्म में रखने के लिए विरोध नहीं किया। तो फिल्म आज भी मेरी 2 घंटे 5 मिनट की फिल्म है और ये भरपूर मनोरंजन करेगी। सेंसर के जो भी हमें कट्स मिले हैं उसके बाद भी, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा। सर, आपसे पूछने का, पार्टनर और ढूंढने से प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व रहे हैं, उसको काफ़ी समय हो गया, काफ़ी लंबा वक्त किया आपने फिल्म डायरेक्ट करने को, तकरीबन 7-8 साल अगर देखा जाए तो, कितना लंबा वक्त लेने की कोई खास मुझे? क्या कूल है हम पार्ट थ्री जो है ये मेरी पहली फिल्म है बतौर निर्देशक और मैं इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से, मतलब लगभग 15 सालों से इंडस्ट्री में हूँ और मैंने डेविड धवन जी जो है उन्हें लगभग 10 साल असिस्ट किया है पार्टनर फिल्म से लेकर मैं तेरा हीरो इस फिल्म तक। उसके पहले मैं धूम फिल्म पर भी एसोसिएट डायरेक्टर था संजय गढ़वी जी के साथ, प्लान फिल्म में हृदय शेट्टी जी के साथ में और संजय गुप्ता जी के साथ में भी मैंने काम किया है। मुझे इतना वक्त, अरे साइलेंस, साइलेंट कर लेना भाई, करेक्ट टाइम पे बजा लेकिन गैप में काट सकते हो। तो जहाँ तक ये मेरी पहली फिल्म जो मैं इतने साल इंडस्ट्री में होने के बाद डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें इतना लंबा जो समय लगा है उसकी वजह पिनपॉइंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो है कभी कभी चीज़ों को होने में वक्त लगता है। जैसे आपके पास एक सही स्क्रिप्ट होनी चाहिए, उसके बाद में उस स्क्रिप्ट को जस्टिस करे उस तरह के एक्टर्स आपको मिलने चाहिए, प्रोड्यूसर्स आपको मिलने चाहिए। तो शायद मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हो जिनसे मैं जो पहली फिल्म करूँगा बतौर डायरेक्टर, जो मेरा लॉन्च हो, वो एक मुझे जिस तरह का चाहिए था उसके लिए शायद मैंने ज़्यादा समय लिया। लेकिन अंत में जब ये फिल्म बालाजी जो प्रोडक्शन हाउस है उनकी ऑफ़र जब मुझे आई और क्या कूल है हम पार्ट थ्री करने की, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे सुनहरा मौका और कोई हो नहीं सकता और मैंने फौरन उन्हें हाँ कह दिया। आपने एज एन एक्टर फीचर किया है राजूमान के जेंटलमैन में और सत्या में, तो क्या ख्वाब आपका एक्टर बनने का ही था, डायरेक्टर बाद में आपने अपना चेंज किया पैशन? इसमें पैशन चेंज करने की बात नहीं है। मुझे लगता है इंडस्ट्री में तकरीबन बहुत सारे या सारे ही लोग पहले एक्टर बनना चाहते हैं, मेरा भी ख्वाब था तो मैंने भी कोशिश की, मैंने एक्टिंग की है, मैंने प्रोडक्शन में भी एज एन असिस्टेंट प्रोडक्शन काम किया है, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर टेलीविज़न में भी काम किया है। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो मेन पैशन है वो स्टोरी टेलिंग है, मतलब जो डायरेक्टर का काम जो है कहानी को लेकर उस पर फिल्म बनाना और लोगों को एक कहानी कहना। तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट है और जिस दिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ उस दिन से मैंने अपना सारा फोकस जो है, सारी एनर्जीज जो है वो चैनलाइज कर दी डायरेक्शन में, और उसी के बाद मैं सीरियस हुआ और मैंने डायरेक्शन में जैसे संजय गढ़वी जी और डेविड धवन जी इन्हें असिस्ट करना शुरू किया और उसके बाद मैं लगातार असिस्ट करता रहा क्या कूल है हम थ्री
जब मेरे पास पहुंचने तक। लेकिन क्या मूवी की बात करें तो जैसे आपकी जो मूवी क्या कूल हम थी वो टोटली एडल्ट कॉमेडी है कि उसमें एक्शन और रोमांस भी देखने का मौका मिलेगा दर्शकों को? एक्शन और रोमांस क्या कूल है हम थ्री, ये इंडिया का पहला पॉर्न कॉम है, सेक्स कॉमेडी आपने मतलब सुना है, हम कहते हैं एडल्ट कॉमेडी सेक्स कॉमेडी, लेकिन हम इसे पॉर्न कॉम कह रहे हैं। इसकी वजह ये है, आपने जॉनर सुने होंगे सिटकॉम होता है रोम कॉम होता है, तो उसी तरह ये पॉर्न कॉम है क्योंकि इसकी जो कहानी है, ये कहानी बेस्ड जो मेरे जो दोनों हीरोज़ हैं वो पॉर्न इंडस्ट्री में काम करते हैं, और इस पॉर्न इंडस्ट्री में वो जो है बॉलीवुड की अलग अलग जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनके स्पूफ्स करते हैं, उनको ट्विस्ट करके उनके डायलॉग्स, हमने उनको नॉटी किया है, सेक्सी किया है, डबल मीनिंग उसमें डायलॉग्स हैं, वो करके ये उसकी छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं। और ये करते करते एक दिन तुषार की मुलाकात जो है मंदना करीमी से हो जाती है, वो उनके प्यार में गिर जाते हैं। उसके बाद में जो मंदना है वो आती है एक बहुत ही ट्रेडिशनल संस्कारी फैमिली से, और वो चाहती है कि अगर उन्हें शादी करनी है तो उनकी फैमिली जो है वो तुषार की फैमिली से मिलना चाहती है, जहाँ तुषार की फैमिली है नहीं, तो तुषार जो है अपने जो साथी पौन कलाकार हैं उन्हीं को लेकर एक फेक फैमिली क्रिएट करते हैं जो मंदना की फैमिली से मिलती है, और चूंकि वो सारे पौन कलाकार हैं उसकी रियल फैमिली नहीं है तो उन्हें ये इस बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है कि एक फैमिली क्या होती है और फैमिली के जो तौर तरीके होते हैं उन बारे में पता नहीं होता है। तो उसमें से जब उनकी मुलाकात मंदना की फैमिली से होती है तो उसमें से जो कॉमेडी क्रिएट होती है वो बहुत ही फनी है, नॉटी है, और इसीलिए क्योंकि वो पॉर्न इंडस्ट्री के कलाकार हैं तो वो पॉर्न इंडस्ट्री के कलाकारों को लेकर हमने कॉमेडी की है, और इसी वजह से ये एक पॉर्न कॉम हम इसे कह रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इंडिया में ये जॉनर आ रहा है और 2016 की पहली पॉर्न कॉमेडी 22 जून को रिलीज हुई। लेकिन सर हमारे जो कल्चर है, डेविड धवन जी के जितनी भी मूवीज थी वो पूरी क्लीन कॉमेडी थी, तो आपने एडल्ट कॉमेडी को अपने डेब्यू फिल्म के लिए क्यों चुना? बिल्कुल, डेविड जी की सारी उनका क्या रिएक्शन था जब आपने इस फिल्म को सुना? डेविड जी की सारी ही फिल्में क्लीन फैमिली कॉमेडीज रही है, उनके उनके जैसा मनोरंजन मुझे नहीं लगता आज तक लोगों का किसी ने किया है। 40 लगभग सुपरहिट फिल्में उन्होंने बनाई हैं, और आज भी आप कोई भी टीवी चैनल ऑन करिए डेविड जी की कोई ना कोई फिल्म चैनल पे ज़रूर चल रही होगी, और बड़ा बड़ा बहुत मज़ा आता है, बहुत ही एंटरटेनिंग थी। मेरे पास क्लीन कॉमेडी आई नहीं, तो मेरे पास जो आई ये एडल्ट कॉमेडी आई, तो जब मैंने डेविड जी से ये बात डिस्कस की तो डेविड जी भी थोड़ा सा मतलब मुझे उन्होंने कहा कि तू कैसे कर लेगा कि हम लोग तो क्लीन कॉमेडी करते आए हैं। तो मैंने कहा सर ये जॉनर भी एक अलग जॉनर है और इस जॉनर की कुछ फिल्में मैं देख चुका हूँ और लोग उन्हें एंजॉय भी करते हैं और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है तो मैं इसे कर पाऊँगा। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बस उनकी ब्लेसिंग से ही मैं आज ये फिल्म जो है मैंने निर्देशित की है और बहुत ही फनी और एंटरटेनिंग फिल्म है। सर एक सवाल आपसे ये है कि आपने फिल्में पहली फिल्म है आपकी और इस फिल्म में थर्ड पार्ट में तुषार कपूर और आफ्ताब शिवदासानी है, तो दोनों की केमिस्ट्री कैसे रही? क्योंकि हमने पिछले दो पार्ट में देखा रितेश और तुषार थे, रितेश और तुषार, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट रहा आपके लिए इन दोनों की केमिस्ट्री को ज़्यादा मैचअप करने के लिए फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट के हिसाब से? थर्ड पार्ट में आप तुषार और आफ्ताब को पहली बार साथ में देखने जा रहे हैं, इन दोनों ने इससे पहले साथ में काम कभी नहीं किया है, लेकिन ये दोनों बहुत अरसे से एक साथ काम करना चाह रहे थे, तो शुरुआत वहीं हुई जब हमने कास्टिंग आफ्ताब की। और आप अगर देखेंगे तो तुषार ने अपना जो गोलमाल है, गोलमाल की पूरी सीरीज़ और क्या कूल है हम के दोनों पार्ट्स, इनमें इतनी बेहतरीन कॉमेडी की है, मेरे ख्याल से तुषार एक बेहतरीन कॉमेडी एक्टर्स, ही इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर, ही इज़ एक्चुअली ऑलराउंडर, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, तो उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही बढ़िया है। और उसके अलावा आफ्ताब को अगर आप लेंगे तो आफ्ताब ने भी मस्ती सीरीज़ में काम किया हुआ है, उसके अलावा भी उनकी हंगामा, प्रियदर्शन जी की, लव के लिए कुछ भी करेगा, इन फिल्मों में मैंने उनका काम देखा हुआ है और वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। तो इन दोनों को जब हम साथ में ला रहे थे तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, और पहली हमारी जब मुलाकात हुई उस दिन से आफ्ताब तुषार की केमिस्ट्री और मेरा भी उनके साथ ट्यूनिंग जो है बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने फिल्म पढ़ी, उन्हें बहुत मज़ा आया, और उसके बाद में हमने कुछ वर्कशॉप्स भी किए, जैसे ये सेक्स कॉमेडी है तो आप सोचेंगे ये वर्कशॉप इसमें कहाँ से आ गया, बड़ी सीरियस चीज़ है बिकॉज कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, और इसमें कुछ नए कलाकार भी हैं और पॉर्न कॉमेडी है, तो इस वजह से टू गेट इन टू द कैरेक्टर हमने सारे एक्टर्स के साथ में लगभग एक महीना वर्कशॉप्स किए, और उसी दौरान जो ट्यूनिंग, जो केमिस्ट्री उनकी हो गई थी, उसके बाद सेट पर मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कुछ यू नो और कुछ करने की ज़रूरत है, मतलब एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस, और सबकी केमिस्ट्री पहले दिन से बहुत ही बढ़िया रही। इस तरह की जो एडल्ट कॉमेडीज होती है, एडल्ट फिल्म होती है, उनको सेंसर से बहुत से इश्यूज आते हैं, इस
फिल्म को भी आए हैं, तो व्हाट विल बी एज अ डायरेक्टर ऑफ द फर्स्ट फिल्म आपका क्या टेक होगा इस तरह के जब इश्यूज आते हैं, ये सीन कट हो गया, वो सीन कट हो गया, कहीं ना कहीं फिल्म जब आती है तो एक पर्टिकुलर अगर सीन नहीं रहेगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसे बहुत से इश्यूज होते हैं, सो व्हाट विल बी योर टेक ऑन इट एज अ डायरेक्टर ऑफ द फिल्म? सेंसरशिप की जहाँ तक बात है, जो सेंसर्स के गाइडलाइंस है वो उन्हें फॉलो करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो फिल्म एक निर्माता निर्देशक बनाते हैं और जब सेंसर के पास जाते हैं तो उन गाइडलाइंस को सेंसर को फॉलो करना है, बट एट द सेम टाइम जो फिल्म एक निर्माता निर्देशक लेकर जाता है वो हार्म ना हो, ये ख्याल सेंसर को रखना चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा। सर फोन की बात करें तो सनी लियोन जी आपके आइटम मूवी में नहीं दिख रही है ना, आइटम नंबर में ना किसी सीन में, छोटे छोटे से छोटे सीन में भी नहीं दिखाई दे रहा, ये क्या सवाल है? नो, माई फिल्म हैज़ अ वेरी वेरी गुड स्टोरी एंड वी डिडंट नीड एनीथिंग लाइक दैट, बस यही है, मेरी फिल्म की कहानी हीरो है और जो कहानी है वो बहुत ही मनोरंजक है, उसके लिए मुझे किसी आइटम गर्ल या किसी भी तरह के स्टंट की ज़रूरत नहीं लगी। थैंक यू।